ओ भाई लीन चेक करो इनके। ओ हो, यहाँ पे ना रोड हिसाब से यहाँ से खड़े होके निकलना ठीक रहेगा भाई। ओ, थोड़ा रिस्की है बट क्या करें भाई, क्या राय है इस बारे में, क्योंकि पहले भी एक दो सीन ऐसे हुए हैं कि बंदा एक या दो कोई गलती करता है तो उनकी वजह से ना सब पे बैन लगता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब पे सब जगह एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें एक लड़का है बाइक स्टंट वगैरह, स्टंट नहीं कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है और साथ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से होने चाहिए। तो आ चुका हूँ एक और बार नए व्लॉग के साथ और आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल बिलाल अवान में। तो आज संडे है और संडे राइड पे निकल रहे हैं। बस मेरे साथ आज तई भाई है, तो अभी उमर का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाते हैं यूसुफ के पास और वहाँ से फिर देखते हैं कि कहाँ का प्लान रहता है। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, पर आज थोड़ी धूप ज़्यादा है और इसी वजह से थोड़ा लेट निकल रहे हैं। धूप में आपको पता है थोड़ा आँख ही नहीं खुलती तो चलने का फ़ायदा नहीं होता। तो फिलहाल वेट करते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। आज कुछ ज़रूरी बातें करनी है आप सबसे, तो वैसे तो मैं रोज़ ही बोलता हूँ पर इस बार और ज़रूरी बातें करनी है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। पिछली वीडियो में जो सबसे पहले कमेंट किया था वो किया था हमज़ा अली भाई ने, उसके बाद किया था लविश गेमर ने, उसके बाद किया है मुबशर वानी ने, खान मोटो व्लॉग्स ने, अवान साहब ने, सजाद व्लॉग्स ने और अपने इरफान भाई ने, और एक इंटरनेशनल शॉर्ट्स ने किया था, और एक सेल क्रिएट 3 कुछ ऐसा नाम है उसने किया था, और अपने शाहिद खान भाई ने किया था, और इसके बाद ये 10 कमेंट हो गए पूरे। तो इसके बाद एक मेरे फौजी भाई है उसने किया है, अच्छा नाम भी लिया जाएगा। हाँ जी भाई, नाम भी लिया जाएगा, पहले कमेंट करना आपका नाम भी लिया जाएगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत जिन जिन ने कमेंट किया। वहाँ पर हमें मिले हैं अपने यूसुफ भाई, क्या हाल है आपका, कहाँ का प्लान है आज? लेजरकोटली वाली साइड। हाँ, चित्रा वाली साइड नहीं जाओगे? हाँ भाई, कहाँ का प्लान है फिर? वालेकुम सलाम, प्लान कहाँ का है? जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ चलो। निकल चुके हैं आज की राइड के लिए यहाँ से और देखते हैं भाई कहाँ का प्लान रहता है। वैसे प्लान अभी जजरकोटली वाली साइड का बन रहा है, तो अभी ऊपर बन तालाब में जाके पता करेंगे कि कौन सी साइड जाएंगे कौन सी साइड नहीं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, पिछले दो संडे तो आपको पता है कितने खतरनाक गए हुए थे, लीन चेक करें भाई। तो इस बार हम सिदरा वाली साइड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका भी कुछ रीज़न है, वो मैंने बोला कि आपसे कुछ बात करनी है तो यहाँ पे भी कर नहीं पाए क्योंकि लेट हो रहे हैं। तो जहाँ पे मैं कहीं भी जाके रुकूँगा अच्छे से आपसे बात करेंगे कि क्या रीज़न था कि आज हम सिदरा वाली साइड ना जाके इस साइड जा रहे हैं, तो वो भी सब बता दें। तो लेट्स गो। ओ भाई लीन चेक करो इनके। ओ हो, यहाँ पर ना रोड नहीं है सही, इस वजह से बहुत ध्यान से चलना पड़ता है यार। इस वजह से मैंने पहले भी बोला है कि इन जगहों पे लीन बहुत अच्छे होते हैं पर रोड नहीं सही, उसकी वजह से सेफ राइड करें। फिलहाल पहुंच चुके हैं हम भाई व्यू पॉइंट, सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं इसको, बहुत कुछ कहते हैं। ओहो, लीन चेक करें भाई। NS की एक बहुत बड़ी कंप्लेन है लीन करते हुए, वो ये है कि इसका ना स्टैंड टच होता है, बड़ा स्टैंड दिया हुआ है, तो इसी वजह से RS में ना बड़ा स्टैंड नहीं दिया हुआ है, तो ये चीज़ ये प्लस पॉइंट है इसमें। और ऐसी जगहों पर ना ट्रक वालों को बिल्कुल तंग नहीं करना जिनको ज़्यादा लोड उठाया, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल से चलते हैं इन जगहों पे। तो कुछ कुछ मैंने देखे हैं ड्राइवर क्या करते हैं, पीछे से छोटी गाड़ी वाले हॉर्न लगाया होता है, तो बहुत मुश्किल होती है उनके लिए यार। बाकी प्लेन में आप जो मर्ज़ी करो पर इन जगहों पर नहीं करना कुछ भी। फिलहाल टाइम आ गया हुआ बाइक के ड्रिंक टाइम का, तो ये इसका ड्रिंक टाइम हर दिन होता ही होता है कहीं जाने से पहले। तो फिलहाल पेट्रोल वगैरह डाल के निकल गए हुए हैं, तो आगे से गायें आ गई हैं, तो गायें से बहुत बच के चलना है भाई क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकती है रे भाई जब आप स्पीड में होते हैं। तो ये बढ़िया था जगह है फिर से इस साइड, मतलब जजरकोटली वाली साइड काफ़ी दिनों के बाद, और आज ना मौसम बहुत मस्त हो गया हुआ है और यहाँ से हमारी टनल में एंट्री होते हुए पे है अपने चूल्हे की चाय जो पिछली बार हमने पी थी मगर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि यार मतलब यहाँ पे सिर्फ नाम था चूल्हे की चाय वाला, मतलब था कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ शायद उस ब्लॉग में बताई भी थी हमने, तो आज हम फिर कहीं और ट्राई करेंगे चाय। हम अलग अलग जगहों को मतलब एक्सप्लोर करेंगे, एक ही जगह पर नहीं, क्योंकि पता चलता रहता है कि कौन सी जगह सही है, कहाँ पर सही चाय मिलेगी आपको, कहाँ पर कैसे, तो हर एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और यहाँ पे हमें उमर के साथी मिलते हैं। उमर के साथी बैठे हुए यहाँ पे। उमर गजब बेइज्जती है।
चिंगम देखे क्या मतलब, ये सोच रहा है कि इसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे, हम फिर भी बोलेंगे, तेरे साथ ही थे पीछे। सच बताऊं तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बाइक को मतलब ऑफ रोड के लिए लेके जाना, मतलब यहाँ पे बहुत गंदे वाला ऑफ रोड है, तो पर क्या करें, नहीं मान रहे ये। अब आहिस्ता आहिस्ता लेके आते हैं और बड़े संभाल के चलेंगे भाई हम, क्योंकि इसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है उससे। वो बंदा तो मतलब आराम से निकाल लेता है पत्थरों शत्थरों से, क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा है मेरे वाले बाइक से, आरएस से। ओ भाई साहब, हेलमेट इधर से उधर जा रहा है, इतने इतने झटके लग रहे हैं। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो हम आए थे भाई अपने बुलेट लेके, बुलेट राजा लेके, तो यहाँ से ऊपर मैंने कैसे लिया था वापस मुझे याद है, क्योंकि उसकी जो ट्यूब है वो ख़राब हो गई थी, टायर पंचर हो गया था वाटर क्रॉसिंग करते करते। तो यार फिर जो मेरा हाल हुआ था ना, वो मुझे ही पता है कि कितना बुरा हाल हुआ था यार। वो दिन बहुत एडवेंचर वाला दिन भी था, पर मेरे लिए पहली बार किसी मतलब बाइक ने मतलब ऐसा, बाइक बेचारी की कोई गलती नहीं थी, जगह ही वैसी थी, हो गया पंचर। तो आगे भाई यहाँ पे तो फिलहाल पहुँचे कुछ इस तरह की जगह पे भाई, जजर कोटली में। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहाने, छोटा सा छोटी सी जगह है पानी नहाने की। तो मेरा कहना था कि जहाँ पे मैं नहाता हूँ, पहले भी मैंने ब्लॉग्स बनाए हुए वहाँ पे, पर नहीं बन रही बात, ये मान नहीं रहे। सो गाइज अभी वाटर क्रॉसिंग हो रही है भाई, पाँव के ज़रिए मतलब खुद ब खुद बाइक लगा दी उधर सामने पार। तो यहाँ से अब चलते हैं, पानी थोड़ा सा आज साफ भी है और थोड़ा ज़्यादा भी है, क्योंकि पिछले दिनों बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। वीडियो में अभी बना रहा हूँ, ये मैं पहले बना चुका हूँ, पर उसमें मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उस वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैंने बोला था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि मुझे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है आज आपके साथ। तो बातचीत ये करनी है कि आपने देखा होगा कुछ पिछले कुछ दिनों से, मतलब एक दो दिनों से सोशल मीडिया पे हर मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूट्यूब पे सब जगह एक वीडियो वायरल हो रही है। उसमें एक लड़का है बाइक स्टंट वगैरह, स्टंट नहीं कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, और साथ में उसने एक लड़की बिठाई हुई है। तो और एक तो मतलब रैश ड्राइविंग कर रहा है, डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, वो एक चीज़ अलग चीज़ है, वो तो मतलब है गलत। और दूसरी बात कि जो उसने मतलब रूल्स तोड़े हैं, पुलिस चेक पोस्ट को लाते मारे जा रहे हैं, और जो रोड साइड पे बैरियर्स वगैरह होते हैं उनको भी लाते मारे जा रहे हैं, तो बहुत ही गंदे काम किए हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ना बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। और कुछ ऐसे भी हैं लड़के जिन्होंने मतलब मोटो व्लॉग को अपना कैरियर बना रखा है, मोटो व्लॉग या व्लॉगिंग को, यूट्यूब को, पर एक किसी की वजह से, इन दो मतलब किसी वजह से सबको नुकसान होता है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ऐसे काम करना है तो ऐसा काम मतलब मोटो व्लॉगिंग मत करो। अगर मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जिसको शर्म होगी, जिसको घर से मतलब इज्जत होगी, मतलब घर से बेइज्जती का ख्याल होगा, वो ऐसे काम नहीं करेगा। तो इनकी वजह से आज हम संडे राइड पे सिदरा वाली साइड नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह थी, नाके थे वगैरह, तो घर वालों ने उस साइड जाने से मना किया। तो इसलिए हम आज जजर कोटली वाली साइड गए। तो मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ा तो शर्म वगैरह करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर बाकियों को मतलब नुकसान झेलना पड़े तो ये चीज़ गलत है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पे भाई अपने यूसुफ भाई वगैरह ये सारे नहा रहे हैं, तैयब भाई भी, मगर मैं नहीं नहा रहा, कुछ मूड नहीं बन रहा यार। और यहाँ पे अपने तैयब भाई स्लांग लगाने वाले हैं। ओ भाई ये क्या था। तो यहाँ पे एक गाड़ी फंस चुकी हुई है, तो ये 4x2 है, मतलब एक निश्चित 4x2 ही है, पर आगे से बिल्कुल नीचे चला गया, तो इस वजह से बड़ी मुश्किल आने वाली है। अब भैया कर रहे हैं कोशिश धक्का वक्का मार के। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, भाई आ रहे हैं दोनों बाइक लेकर, एक तो भाई की ब्लू व्हेल, आगे अपनी NS 200। तो निकल रहे हैं भाई, बिलाल भाई ने अपनी बाइक पीछे फंसा दी, हैवी ड्राइवर है ये, क्या कर सकते हैं। रेत इतनी ज़्यादा थी, बाइक फंस गई हुई थी, गाड़ी भी फंस गई हुई थी, एक पहले वो निकली फिर बाइक निकाली हमने बड़ी मुश्किल से भाई। और ये बंदे खड़े होकर आगे से वीडियो बना रहे हैं, ये भी नहीं कि आगे धक्का वक्का मारे, नहीं। ओहो मेरे हिसाब से यहाँ से खड़े होकर निकलना ठीक रहेगा भाई। ओहो थोड़ा रिस्की है बट क्या करें भाई। ओहो बड़ा मतलब दुख लगता है भाई ऐसी रोड पे बाइक लाने। देखिए यहाँ से वापस उतना टाइम हमने यहाँ पे नहीं बिताया, क्योंकि यार लेट आए थे तो जल्दी निकलना था वापस,
इसलिए अब जा रहे हैं यहाँ से वापस। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैंने बताई कि क्यों नहीं आज हम सिदरा जालता वाली साइड जा सके और क्यों नहीं गए, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इस बारे में, क्योंकि पहले भी एक दो सीन ऐसे हुए हैं कि बंदा एक या दो कोई गलती करता है तो उनकी वजह से ना सब पे बैन लगता है यार। और ना इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने अपना मतलब कैरियर ही बना लिया हुआ है इसी को, ब्लॉगिंग को, और वो सही भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत सही कर रहे हैं, पर बीच में एक दो कुछ ऐसे हैं जो गलत करते हैं तो उसकी वजह से ना फिर सबको सजा मिलती है यार, ये चीज़ गलत है यार। और सूरज डूबता हुआ देखें आप, आज बड़ी जल्दी वापस चला गया, जितना टाइम हमने स्पेंड नहीं किया संडे राइड पे क्योंकि मूड नहीं था यार, मतलब जब हालात ठीक ना होना फिर मूड भी ठीक नहीं होता पर टाइम है। और वहाँ से सूरज डूबता हुआ थोड़ा सा ऊपर ही है, पर ये कितना प्यारा लग रहा है देखें, तो आगे कुछ इस तरह की रोड है, काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड करने का, शाम का टाइम पर बहुत मज़ा आता है। और इस टाइम आपको काफ़ी भीड़ लग रही होगी यहाँ पर देख रहे हो, छोड़ो 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 छोड़ो, तो इस बंदे की चाबी निकाल के लेके गए हैं वो बंदे, तो अब बेचारे को धक्का मार के लेके जाना पड़ रहा है। क्या हाल है भाई, काफ़ी टाइम हो गया, मैं इधर ही होता और ठीक ठाक, नहीं 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 और मस्त। फिलहाल हम आए हैं नेस्कैफे जो यहाँ पे जगती में है दमी में, मुझे नहीं पता था, इस बंदे को पता है क्योंकि इन जगहों के बारे में ज्यादातर इसी को पता होता है, तो मुझे नहीं पता था इसलिए बताया ये बंदे। तो कैसा मजा आया आज राइड पे बताओ, राइड पे तो मस्त मजा आया, चाय कैसी है? वो जो तीन बंदे डूबने वाले थे उनको भी बहुत मुश्किल से बचाया भाई, चाय कैसी है? चाय तो यहाँ पे हम भी झूला झूलेंगे, आ चुका है इनको अलविदा कहने का, तो ठीक है चलते हैं, जाओ फिर कभी जाएंगे जल्दी राइड पे, ठीक है।